हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग जनरल नॉलेज का सेट वन लगा चुके हैं, आज हम लोग सेट टू लगाएंगे। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन होता है, 25-25 क्वेश्चन का होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो हिटलर ने कहा था, या जिन्ना ने कहा था, या चर्चिल ने कहा था, या माउंटबेटन ने कहा था। इसका सही उत्तर क्या है, सी है। कौन कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये क्या है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, कहाँ का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। ये बात याद रखिएगा, ब्रिटेन का जो विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे उस समय गांधी जी को जिस कपड़े के हालात में, जैसे कि गांधी जी एक धोती पहन के रहते थे, तो उन्हीं को देखते हुए वो अधनंगा फकीर गांधी जी को बोला था। ठीक है, इतिहास में ऐसा माना जाता है कि 1920 में क्या हुआ कि गांधी जी ने खादी से बने कपड़े पहनने के फैसला किया और स्वदेशी वस्तुओं को प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। पहला ऑप्शन क्या है, बर्नार्ड से, या लियो टॉलस्टॉय से, या कार्ल मार्क्स से, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लियो टॉलस्टॉय से। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम लोग जाने तो महात्मा गांधी से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिंपल से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो 1917 में पहला सत्याग्रह था, कहां था, तो चंपारण का सत्याग्रह था। ठीक है, कहाँ का, चंपारण का सत्याग्रह, जो बिहार में है। ठीक, ये बात याद रखिए। वहां पर क्या था, किसानों का जो खेत होता था, किसानों को जबरदस्ती इंडिगो का, मतलब नील का खेती कराने के लिए बोला बोलता था। कौन बोलता था, तो ब्रिटिश बोलता था। उसको 3 कट्ठा, मतलब एक बीघा में 3 कट्ठा करना, नील की खेती जरूरी कह दिया था। इसी के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और पहला सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, और ये सक्सेस भी हुआ था। ठीक है, दूसरा बात, क्वेश्चन क्या पूछता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे, तो 1993 में गए थे। एक्चुअली 1993 में तीन मेन काम हुआ था, एक तो एनी बेसेंट इंडिया आई थी, शिकागो गए थे स्वामी विवेकानंद, और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, और दूसरा पूछता है महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी इंडिया कब लौटे थे, 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से वो लौटे थे। ये बात याद रखिएगा इतना इनके बारे में कम से कम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 1859 ईस्वी में हुआ था, 1869 में हुआ था, या 1879 में हुआ था, या 1889 में हुआ था, 1859, या 1869, या 1879, या 1889। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते भी हैं। कहाँ पे हुआ था, 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ। ठीक, मौत की वजह क्या था, मानव हत्या, जानते हैं कि नाथुराम गोडसे मारा था। ठीक है, शिक्षा भी पूछ लेता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी से, कौन सा स्कूल से पढ़े थे, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़े थे। ये बात याद रखिएगा। राजनीतिक पार्टी कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। महात्मा गांधी के बारे में ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन रहे थे, तो सिंपल सी इसका आंसर है, एक बार रहे थे। कब रहे थे, तो 1924 को। ठीक, एक बात याद रखिएगा, बिलगाम का जो अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे 1924 का, महात्मा गांधी थे, और एक ही बार रहे थे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। उनके पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी। पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी। अब पुतलीबाई करमचंद गांधी उनके माता का नाम था। बच्चे का नाम क्या था, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये बात याद रखिएगा इतना कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है। रणजीत सिंह है, गुरु गोविंद सिंह है, या गुरु नानक है, या लाला लाजपत राय। उत्तर क्या है, लाला लाजपत राय है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लाला लाजपत राय का जो जन्म हुआ था 17 नवंबर 1928 ईस्वी का इनका मृत्यु हुआ था। भारत के एक प्रमुख राष्ट्रीय सेनानी थे। इनको पंजाब केसरी इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये जब बोलते थे, दहाड़ते थे, तो जैसे कि केसरी मतलब कि शेर जैसे दहाड़ता है, अब वन्य जीव डर जाते हैं, उसी तरह से लाला लाजपत राय जब बोलते थे, गरजना शुरू करते थे, तो अंग्रेज भी क्या होता था, कांप उठता था। इसी के लिए इनको पंजाब का केसरी बोला जाता है। असहयोग आंदोलन में पंजाब में पूरी तरह से सफल रहा, जिसके कारण इनको पंजाब का शेर या पंजाब का केसरी नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, पंजाब का में जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जब सब जगह शुरू हुआ था, तब पंजाब का नेतृत्व कौन किए, एक ये थे लाला लाजपत राय, तो उनको में ये सफल रहे असहयोग आंदोलन में पंजाब में, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, वहां का पंजाब का
शेर या पंजाब का केसरी बोला गया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो सुवर्णरेखा, सोन या गंडक या कोसी। तो इसका सही उत्तर क्या है, सुवर्णरेखा है, ठीक है। सोन जो है पटना के नजदीक आके मिलती है गंगा से, गंडक भी मिलती है, ठीक है, कोसी भी, कोसी को क्या बोला जाता है, तो बिहार का शोक बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक, ये बात याद रखिएगा। मैप से भी देखिए तो ये है चाइना आपका जो तिब्बत है, अरे चाइना का पार्ट है, इधर क्या म्यांमार का पार्ट है, नागालैंड तो है नहीं, ठीक है, मणिपुर भी नहीं है, ठीक, आपका असम भी नहीं है, तो है कौन, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तिब्बत से जो बाउंड्री टच करता है अरुणाचल प्रदेश करता है, एक सिक्किम करता है, उत्तराखंड करता है, हिमाचल प्रदेश करता है और लद्दाख करता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो कितने वर्ष के पश्चात होता है, 10 के बाद होता है या 5 के बाद होता है या 3 वर्ष के बाद होता है या 25 वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष के बाद होता है, तो 10 वर्ष के बाद होता है। सबसे पहले कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मूल रूप से नियम से जो हुआ था 1881 ईस्वी से, ठीक है, कौन किया था, तो लॉर्ड रिपन ने इसको स्टार्ट किया था 1881 ईस्वी से। अब प्रत्येक 10 वर्ष में अब होने लगा है, जब से प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, ठीक है, कोरोना के लिए, कोरोना के कारण रुक गया था, लेकिन हर एक बार कितने वर्ष के बाद होता है, तो 10 वर्ष के बाद होता है। सबसे पहले कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित रूप से कब शुरू हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था, और नियमित रूप से चालू करने वाला कौन था, तो लॉर्ड रिपन था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, असम में है, ठीक है। असम जो है अपना नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। असम में और भी जो नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्क आपको दिख रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क है, फिर ऑरेंज नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक दियांग पटकाई नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार तो कम से कम याद ही रखिएगा, मानस, ऑरेंज, काजीरंगा और कौन, दियांग पटकाई, और भी है दिब्रू सैकोवा है आपका, रायमोना है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मानस, ऑरेंज, काजीरंगा, दियांग पटकाई, ठीक, इतना बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तमिलनाडु से है, बाढ़ का नियंत्रण से है, दूध आयात से है या डेयरी से है, डेयरी विकास से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डेयरी विकास से है। 1970 में क्या हुआ कि ऑपरेशन फ्लड जो है शुरू हुआ, ठीक है, मतलब डेयरी का विकास करना शुरू किया गया इंडिया में और दूध का उत्पादन में बढ़ावा आने लगा। तो ये किससे जुड़ा हुआ है ऑपरेशन फ्लड, तो डेयरी विकास से। तो कब शुरू हुआ था, तो 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1970 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, सख्त मिट्टी है, काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है या लाल मिट्टी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि दोमट मिट्टी है। काली मिट्टी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉटन के लिए होता है, ठीक है, रुई के लिए, ठीक, ये बात याद रखिएगा। दोमट मिट्टी किसके लिए है, तो धान के लिए है, पैडी के लिए है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर लीजिएगा और शेयर करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से भारतीय शहर जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए संबंधित है, नागपुर है, रायपुर है, भोपाल है या लखनऊ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, एमपी में एक जगह है, भोपाल है, वो है जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए संबंधित है, ये बात याद रखिए, कौन है, तो भोपाल है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि राणा प्रताप सागर संबंधित किससे है, सौर ऊर्जा से है, सिंचाई से है, नाभिकीय ऊर्जा से है या जल विद्युत से है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जल विद्युत से है। ये जो राणा प्रताप सागर है वो कहाँ पे है, ब्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कहाँ पे है, तो देखिए ब्यास नदी पे कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश में है, जो शिवालिक के पहाड़ियों के भूमि में है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, महाराणा प्रताप सागर है। इसको पैंगा जलाशय भी बोलता है, पैंग बांध भी बोलता है इसको, और ये कब बना था, तो 1975 में, 1975 में ये बना था, बनाया गया था, ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होता है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 30 जनवरी को या 4 जुलाई को या 21 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर क्या है, 4 जुलाई को होता है। हम लोग जानते हैं ये क्यों ज्यादा होता है, ये जान लेते हैं, सूर्य जो है बीच में,
ठीक है, इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी घूमता है, लेकिन सूर्य जो है बीच में नहीं होके क्या है, एक ऐसा है। ठीक, तो कहीं पे क्या होता है, इसका दूरी कम जाता है, कहीं पर इसका दूरी बढ़ जाता है। जो सबसे ज्यादा दूरी बढ़ता है वो 4 जुलाई को बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राज्य चिन्ह का प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, या कंठ उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से है, सामवेद से है, यजुर्वेद से, या अथर्ववेद से है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ऋग्वेद से है। ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी दिवस, हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? पर्सियन में, रोमन में, देवनागरी में, या पाली में? तो इसका जो सही उत्तर है, देवनागरी लिपि में। रोमन में कौन होता है? इंग्लिश होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, मतलब सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपे ने, जॉन मार्शल ने, जॉन एक फ्लीट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जेम्स प्रिंसले ने पढ़ा था। ठीक, जेम्स प्रिंसले ने 1837 ईस्वी में, सॉरी, इसको सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसले को जाता है। सबसे पहला जो शब्द पढ़ा था, दानम पढ़ा था। ठीक है, सांची के स्तूप में क्या था, अंकित था ब्राह्मी अक्षरों में जो पढ़ा, और उसी पर फिर क्या हुआ, वर्णमाला पूरा ब्राह्मी लिपि का तैयार हुआ। तो सबसे पहले कौन पढ़ा था? 1837 ईस्वी में प्रिंसले, प्रिंसपे में पढ़ा था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 21 मार्च को, 28 फरवरी को, या 23 मार्च को? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या हुआ था, सीवी रमन एक रमन प्रभाव खोज किए थे, उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसी के लिए इनको क्या हुआ कि 28 फरवरी को देश में विज्ञान दिवस, साइंस डे मनाया जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 29 मार्च को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, या 20 सितंबर को मनाया जाता है, या कितना, 2 सितंबर को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ध्यानचंद जो थे उनका इस दिन जन्मदिन है, और उन्हीं के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, या 13 सितंबर को मनाया जाता है, या 2 दिसंबर को मनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि कंप्यूटर को आगे उपयोग में लाया जाए, और इसको बढ़ावा के लिए क्या है कि 2 दिसंबर को हर दिन क्या होता है कि कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, ये बात आपको बताना है। तो पहला है 14 फरवरी को, या 24 फरवरी को, या 18 फरवरी को, या 21 फरवरी को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को, 15 फरवरी को, 14 सितंबर को, या 18 दिसंबर को मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, या इंडोनेशिया में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, भारत में है। ठीक है, सबसे ज्यादा डाक का जो है केंद्र है कहाँ पे है, तो इंडिया में है। ठीक है, ये बात याद रखना है, इंडिया में। और लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्रा चलम में है, चिदम्बरम में है, या हम्पी में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हम्पी में है। हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है, विजयनगर जिला में है ये, वहीं पे विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। ठीक है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, हम्पी के जो स्मारकों के में ये शामिल है, कौन, विरूपाक्ष मंदिर, और हम्पी जो है यूनेस्को के अंतर्गत शामिल है विश्व धरोहर स्थल में, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटका के विजयनगर जिले में है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।